स्टैक बिल्डिंग कैसे आपको बनानी है। सिक्स टू ट्वेल्थ, छः से लेकर बारहवीं कक्षा तक आपको NCERTs पढ़नी है, विच इंक्लूड्स जनरल साइंस। ठीक है, ट्वेल्थ का बायो जो है उसके लास्ट थ्री फोर चैप्टर्स, ट्वेल्थ की बायो, बायोलॉजी। ठीक है, जनरल साइंस आपको पढ़नी टेंथ तक, दैट इज वेल मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, इंटरनेशनल रिलेशंस आपके न्यूज़पेपर से हो जाएंगे, वर्ल्ड हिस्ट्री आल्सो। ये चीज़ें आपको एनसीईआरटी कवर करेंगी। अब एनसीईआरटी को पढ़ने के लिए इफ़ यू आर गुड रीडर, है ना, तो आपको कम से कम दो से ढाई महीने चाहिए, और होपफुली मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स हु आर वेल प्रिपेयरिंग दे माइट हैव कम्प्लीटेड एनसीईआरटीज। ठीक है, तो एनसीईआरटी आपका बेस बना दें, एनसीईआरटी आप फाउंडेशन बना दें, एनसीईआरटी से आपको एक नॉलेज आएगा, एक कॉन्फिडेंस आएगा, इट विल हेल्प यू टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस सो दैट यू कैन सॉल्व मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड फ्रॉम द एनसीईआरटी। अलग अलग इंसान का, अलग अलग एस्पिरेंट का, अलग अलग ह्यूमन का अलग अलग नेचर होता है, कोई जल्दी लर्नर होता है, कोई मीडियोकर लर्नर होता है, कोई स्लो लर्नर होता है, बट ईच एंड एवरी इंडिविजुअल हैज एन क्वालिटी, इट्स नॉट डिनाइबल फैक्ट, आई एम टेलिंग। तो कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड ऑलवेज, बस वो चीज़ जरूरी है। और तीन चीज़ें मैंने जो आपको बताई थी, परसिस्टेंस, पेशेंस एंड प्रिपरेशन, इन तीन पीस को नहीं भूलना है। कीप वॉचिंग वीडियोज, लॉट ऑफ मोटिवेशनल वीडियोज, हेल्प टू लाइक रिमेन इन द ट्रैक, दोस्तों से बात कीजिए, वॉच मूवीज एंड ठीक है, लेकिन ऑलमोस्ट इफ आई वुड रिकमेंड इंक्लूडिंग न्यूज़पेपर, रीडिंग एनसीईआरटीज, उन्होंने जिन्होंने प्रिपेयर नहीं किया और हुसोएवर आर प्रिपेयरिंग, या जो हुसोएवर वांट टू प्रिपेयर, तो उनको थोड़ा सा हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है, जिसमें कि 8 से 10 घंटे ऑलमोस्ट आपको देने पड़ेंगे। इसमें कॉलेज पास आउट स्टूडेंट्स हैं, तो दे सपोज दे आर हैविंग टाइम, दे वांट टू सिट इन होम एंड कीप वांट टू प्रिपेयर, तो दे कैन ईजिली कंट्रीब्यूट। स्मॉल स्मॉल टारगेट लेके चलिए, सपोज यू हैव रेड न्यूज़पेपर फॉर 2 आवर्स, नोट डाउन किया आपने, 1-1.5 घंटा आपने न्यूज़पेपर पढ़ा, उसके बाद नोट डाउन किया। ठीक है, एनसीईआरटी सिलेबस स्लोली स्मॉल स्मॉल न्यूज़, छोटी छोटी न्यूज़ एनसीईआरटीज हैं, उनको कंप्लीट करने का टारगेट बना दिया कि मुझे 1-1.5 महीने में एनसीईआरटीज कंप्लीट करनी है। न्यूज़पेपर आपने साथ साथ में पढ़ते रहे। एक PIB करके है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट, उस पर भी आप देख सकते हैं कि क्या क्या गवर्नमेंट स्कीम्स निकाल, हिमाचल की भी वेबसाइट है, हिमाचल गवर्नमेंट वेबसाइट है, उस पर भी आप देख लीजिए कि क्या क्या प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा है हिमाचल गवर्नमेंट, क्या क्या फेयर्स हैं जो कि हिमाचल गवर्नमेंट, जैसे अभी एक रिसेंट आया था कि किन्नौर का एक डिस्ट्रिक्ट फेयर है, तो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने उसको रिकग्नाइज किया है। ठीक है, और नई नई सरकार बनी है, तो व्हाट ऑल स्कीम्स दे आर गोइंग टू इंडक्ट, है ना, और कौन कौन से प्रोजेक्ट्स दे आर गोइंग टू इंक्लूड या दे स्टार्ट। सपोज इनिशियली आर नॉट एबल टू डिवोट 8-10 आवर्स इन योर प्रिपरेशन, डू वन थिंग, रीड फॉर 2 आवर्स, इनिशियली आपको दिक्कत होगी, 2 आवर्स आप पढ़, मान लो 2 आवर्स आप पढ़ रहे हैं, लेकिन नीड टू प्रोमिस योर सेल्फ, जो 2 घंटे आप पढ़ रहे हैं दिन के, उसमें आपको रिलीजियसली पढ़ना है। उसमें क्या चीज़ें आपको, तो मोबाइल फ़ोन, कीप योर मोबाइल असाइड, उसको साइड में रखिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी इमरजेंसी यू विल बी इंटीमेटेड। दूसरा, टेंशन, डोंट टेक टेंशन। जिन्होंने प्रिपेयर किया है, जो सेलेक्ट हुए हैं या जो प्रिपेयर कर रहे हैं, दे आर नॉट गॉड, गॉड गिफ्ट कोई नहीं, एवरी स्टूडेंट ही IAS बनते हैं, एवरी स्टूडेंट ही HS बनते हैं, इट इज़ नॉट अ रॉकेट साइंस, यू आर नॉट गोइंग टू मेक रॉकेट्स। ठीक है,
बस ये है कि यू हैव टू हैव कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ, हैव पेशेंस और कीप प्रिपेयरिंग, स्टिक टू योर गोल्स, मेक स्मॉल स्मॉल गोल्स. सपोज आपने ये बोला कि मुझे एनसीईआरटी की सर सिक्स की आपको 2 घंटे में आपको किताब ख़त्म करनी, 3 घंटे में आपको किताब ख़त्म करनी, ठीक है. अभी उसमें 1-2 घंटे आप पढ़ रहे हैं, लेकिन मूड स्विंग्स भी होते हैं, मूड स्विंग्स हो गए. मूड स्विंग्स में क्या है कि जस्ट डू वन थिंग, दो ब्रेक ले लो, 15 मिनट का ब्रेक ले लो. लेकिन 15 मिनट का ब्रेक ये है कि 16 मिनट आपको स्टडी टेबल पे आना है. सपोज यू आर नॉट गेटिंग इंटरेस्ट, लाइक जस्ट नॉट गेटिंग इंटरेस्ट इन रीडिंग ज्योग्राफी, डू वन थिंग, जस्ट स्विच टू हिस्ट्री, कैजुअली पढ़ो उसको, जस्ट कैजुअली हिस्ट्री की. सपोज आप अपने पास्ट इवेंट्स पढ़ रहे हो, इससे क्या है आपके सबकॉन्शियस माइंड में मेमोराइज होंगी चीज़ें, सबकॉन्शियस माइंड में आपकी मेमोराइज होंगी चीज़ें, तो आपको दिल भी रिटेन फॉर लॉन्ग, तो आपको स्विच आउट करते हैं. तो इस तरह से आपको गोल्स बनाने हैं. 2 से आप 4 घंटे पे आएंगे, 4 से 6 घंटे पे आएंगे, 6 से 8 घंटे पे आएंगे. आई एम टेलिंग यू, दिस इज माई प्रॉमिस. बट आई टोल्ड यू ना, यू नीड टू हैव पेशेंस और आपको प्रिपेयर करते रहना है, कंटिन्यूस प्रिपरेशन फॉर 1 long year. You need to devote time, you need to stick to your notes, keep revising them. ठीक है, तीसरी चीज़ मैं आपको बनाना बता रहा हूँ, नोट्स आप बनाते रहिए प्लीज. नोट्स का मतलब यही है कि एक आपको लास्ट मोमेंट पे मटेरियल तैयार हो जाएगा, योर ऑन हैंड रिटन नोट्स. तो आपके पास एक मटेरियल तैयार हो जाएगा, यू विच यू कैन एक्सेस विद इन अ डे और 2, जो भी आप 3 लेंगे, और उसके बाद आप तैयारी आप कर सकते. सपोज 9 से 12:30 तक आप पढ़ते हैं, 2-3 घंटे आपके वहाँ हो जाते हैं, 2-3 घंटे आप नीड टू गेट अप लिटिल बन मॉर्निंग, 2-3 घंटे आप मॉर्निंग में पढ़ सकते. तो 6-7 hours रेशो इज़ वेरी वेल, इनफैक्ट सफिशियंट टू प्रिपेयर इफ़ यू आर अ सीरियस कैंडिडेट. संडे आर्टिकल्स आते हैं बहुत अच्छे अच्छे, टेक ऑन टॉपिक. बेंजामिन नेथन्यू आए हुए हैं, तो इंडिया इज़ रिलेशनशिप, इस बार मेंस का क्वेश्चन भी था, क्या क्या है, क्या क्या इन्होंने क्या एग्रीमेंट्स हुई, किन ऑल डिफेंस में, टेक्नोलॉजी में, स्पेस में, एग्रीकल्चर में, लाइक इरीगेशन स्प्रिंकलिंग सिस्टम एंड नॉट ड्रिपिंग सिस्टम वी हैव टेकन फ्रॉम इजराइल सर. तो वॉट ऑल एग्रीमेंट्स दे हैव कंट्रीब्यूटेड, तो कीप विजिल, विजिल लाइफ बोलते हैं उसको ना, कीप नोटिंग ऑल. तो ये इवेंट्स आपको रेलेवेंट इवेंट्स जो हैं रिगार्डिंग टू स्किल्स पूछते हैं क्वेश्चंस.